आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ओप्पो फ़ोन में कॉल आता है और पता नहीं चलता है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए अपने ओप्पो फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब ये ऐप मैनेजमेंट ओपन करने के बाद आपके मोबाइल के सारे ऐप यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब इसे ओपन करने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर आएगा डायलर या फिर आपके मोबाइल का फ़ोन ऐप। तो यहाँ पे ये फ़ोन के नाम से आएगा, तो फ़ोन पे क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पे आकर ये फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे स्टोरेज आएगा या फिर स्टोरेज यूसेज आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा ये क्लियर डेटा, तो क्लियर डेटा पर क्लिक करिए। डिलीट या फिर ओके आएगा, इस पर क्लिक करिए। और ये करने से आपके फ़ोन का कोई डेटा या फिर आपके फ़ोन से कुछ डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये करने के बाद बैक आइए। उसके बाद आएगा ये मैनेज नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा ये अलाउ नोटिफिकेशन, शो नोटिफिकेशन, अगर आपका ये ऑफ है तो इसे ऑन करिए। और ये ऑन करने के बाद नीचे ये लॉक स्क्रीन आएगा, बैनर आएगा। अगर ये दोनों ऑफ हैं तो इन दोनों पर क्लिक करिए और दोनों को ऑन करिए। अब ये यहाँ पे ऑन करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने पर अब सेटिंग में ऊपर आइए, ऊपर की तरफ आकर आएगा ये साउंड एंड वाइब्रेशन, तो साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा ये DND, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, इस पर क्लिक करिए। अगर आपका ये DND ऑन है तो DND बंद करिए। अब ये बंद करने के बाद बैक आइए, साउंड मोड आएगा, यहाँ पे साउंड मोड पर क्लिक करिए। अगर आपका वाइब्रेट या फिर साइलेंट मोड सेलेक्ट है तो रिंगिंग आएगा, रिंगिंग पर क्लिक करिए, रिंगिंग सेलेक्ट करिए। और नीचे आइए, नीचे आकर ये रिंगटोन आएगा, रिंगटोन पे क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में कोई रिंगटोन सेट नहीं है तो नीचे ये जो सारी रिंगटोन्स आ रही हैं इनमें से कोई रिंगटोन सेलेक्ट करिए। तो रिंगटोन लगाने के लिए बस रिंगटोन पे क्लिक करिए। और रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद रिंगटोन सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाइए और अब चेक करिए आपके ओप्पो फ़ोन में कॉल आने पर पता लग रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।